यूँ तो कलर्स टीवी पर बहुत से शोज आए और गए हैं, लेकिन इसी दौरान कलर्स टीवी पर नंबर ऑफ एपिसोड्स के मैदान में कौन से 10 शोज हैं सबसे आगे? जी हाँ, बेसिकली हम आपको इस वीडियो में कलर्स टीवी के टॉप 10 लॉन्गेस्ट रनिंग शोज के नाम बताने वाले हैं, जिन्होंने नंबर ऑफ एपिसोड्स की इस लिस्ट में कर ली है अपनी जगह पक्की। तो कौन से हैं वो 10 शोज जो हुए हैं इस लिस्ट में शामिल, आइए वीडियो को देखते हैं। लॉन्गेस्ट रनिंग शोज की इस लिस्ट में 10वें शो का नाम है कसम तेरे प्यार की। इस शो को 7 मार्च 2016 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें ऋषि और तनु की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसका रोल रितिका सेंगर और शरद मल्होत्रा ने प्ले किया। इसके अलावा इस शो में शिवानी तोमर, सबा मिर्जा और जुबैर खान जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे 2.5 साल तक राज करने के बाद 27 जुलाई 2018 को पूरे 623 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। लॉन्गेस्ट रनिंग शोज की इस लिस्ट में 9वें शो का नाम है मधुबाला एक इश्क एक जुनून। इस शो को 28 मई 2012 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें मधु और ऋषभ कुंद्रा की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसका रोल दृष्टि धामी और विवेन सेना ने प्ले किया। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे 2.5 साल तक राज करने के बाद 9 अगस्त 2014 को पूरे 648 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। लॉन्गेस्ट रनिंग शोज की इस लिस्ट में 8वें शो का नाम है थप की प्यार की। इस शो को 25 मई 2015 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें थपकी और बिहान की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसका रोल जिज्ञासा सिंह और मनीष गोपलानी ने प्ले किया। इसके अलावा इस शो में अंकित बाटला, जिया भट्टाचार्य और मुनिका खन्ना जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे 2 साल तक राज करने के बाद 14 जुलाई 2017 को पूरे 704 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। लॉन्गेस्ट रनिंग शोज की इस लिस्ट में 7वें शो का नाम है छोटी सरदारनी। इस शो को 1 जुलाई 2019 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें महर और सरबजीत की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसका रोल निमृत हलवालिया और अभिनेश रेखी ने प्ले किया। इसके अलावा इस शो में माहिर पांडी और अमनदीप सिद्धू जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर 3 साल तक राज करने के बाद 10 जून 2022 को पूरे 810 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। लॉन्गेस्ट रनिंग शोज की इस लिस्ट में 6वें शो का नाम है ना आना इस देश लाडो। इस शो को 9 मार्च 2009 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें मेघना मलिक, आदित्या रैदिज, नताशा शर्मा और सिमरन कौर जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे 3 साल तक राज करने के बाद 27 जुलाई 2012 को पूरे 870 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। लॉन्गेस्ट रनिंग शोज की इस लिस्ट में 5वें शो का नाम है उड़ान। इस शो को 18 अगस्त 2014 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें चकोर और सूरज की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसका रोल मीरा डियोस्थले और विजेंद्र कुमेरिया ने प्ले किया। इसके अलावा इस शो में विधि पांड्या और पारस अरोरा जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे 5 साल तक राज करने के बाद 28 जून 2019 को पूरे 1352 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। लॉन्गेस्ट रनिंग शोज की इस लिस्ट में 4वें शो का नाम है शक्ति अस्तित्वों के एहसास की। इस शो को 30 मई 2016 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें सौम्या और हरमन की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसका रोल रुबीना दिलेक और विवेन सेना ने प्ले किया। इसके अलावा इस शो में सिम्बा नागपाल और जिज्ञासा सिंह जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे 5 साल तक राज करने के बाद 1 अक्टूबर 2021 को पूरे 1360 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। लॉन्गेस्ट रनिंग शोज की इस लिस्ट में 3रे शो का नाम है उतरन। इस शो को 1 अगस्त 2008 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें टीना दत्ता, रश्मि देसाई, नंदी सांधू और रोहित खुराना जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे 10 साल तक राज करने के बाद 28 मार्च 2018 को 1549 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया।
लॉन्गेस्ट रनिंग शोज की इस लिस्ट में दूसरे शो का नाम है ससुराल सिमर का। इस शो को 25 अप्रैल 2011 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें सिमर और प्रेम की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसका रोल दीपिका कक्कर और धीरज जुपर ने प्ले किया। इसके अलावा इस शो में अविका गौर, ज्याति भाटिया और निकी शर्मा जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे 7 साल तक राज करने के बाद 2 मार्च 2018 को पूरे 2063 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। सनी शोज की इस लिस्ट में अब बात करते हैं उस शो की जो नंबर ऑफ एपिसोड की इस लिस्ट में कर रहा है कलर्स टीवी पर राज। तो वो शो है बालिका वधू, जिसको 21 जुलाई 2008 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें सिद्धार्थ शुक्ला, माही विज, अविका गौर और अविनाश मुखर्जी जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे 8 साल तक राज करने के बाद 31 जुलाई 2016 को पूरे 2245 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। लॉन्गेस्ट रनिंग शोज की इस लिस्ट में आपका फेवरेट शो कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले हमने स्टार प्लस के अंडररेटेड शोज के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।